बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हाजरी अकबर हुसैन के बेटे डॉक्टर नईम अकबर ने अपनी प्रेमिका के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपए मांगने की रिपोर्ट मुरादाबाद के कुंदरकी थाने में दर्ज कराई थी। मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद आरोपी युवती को गिरफ्तार कर CJM न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने युवती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले को लेकर SP देहात संदीप कुमार मीना ने बताया कि डॉक्टर नईम ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, जिसमें आरोप लगाया था कि एक युवती ने उनसे दोस्ती कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस बीच वीडियो कॉलिंग के दौरान उनके स्क्रीनशॉट ले लिए और उसकी सहायता से उन्हें ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपए मांग रही है। डॉक्टर नईम ने पुलिस को वह ऑडियो और वीडियो कॉल की डिटेल भी उपलब्ध कराई, जिसके आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि युवती डॉक्टर नईम से 15 लाख रुपए मांग रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले 2 महीने से बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजरी अकबर हुसैन के बेटे डॉक्टर नईम और उस युवती के आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला चल रहा है। पहले डॉक्टर नईम ने युवती पर हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उसके बाद आरोपी युवती ने भी कई गंभीर आरोप लगाकर एक प्रार्थना पत्र SSP मुरादाबाद को दिया, जिसमें डॉक्टर नईम पर आरोप लगाया कि वह शादी करने के वादे पर पिछले 12 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है, लेकिन अब इनकार कर रहा है। युवती का कहना है कि उसने जब शादी का दबाव बनाया, तब डॉक्टर नईम ने झूठा आरोप लगाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस मामले में कोई कार्यवाही न होने पर युवती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाकर पेश हुई। इस मामले में मुरादाबाद पुलिस को जब लखनऊ से जांच पड़ी, तो पुलिस ने जांच में तेजी दिखाते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर CJM कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कुंदरकी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था ब्लैकमेलिंग का। नईम अकबर एक डॉक्टर है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि एक महिला जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, वो उनको वीडियो कॉल करके चैट ले लिए स्क्रीनशॉट और उनको ऑडियो कॉल कर उनको कॉल किया, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मैं आप पे बलात्कार का मुकदमा करा दूंगी अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो। इस तरह की उनकी बातचीत थी। पुलिस जब मामला सामने आया तो उसकी जांच की गई, जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपित महिला की गिरफ्तारी की।